हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर उगे टेक में। तो दोस्तों देखे, NMDC डोली मलाई का कॉम्प्लेक्स जो है, इसका यहाँ पे देखे फर्स्ट लेवल टेस्ट का जो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका था, जिसमें देखे आपके बहुत से कैंडिडेट जो है लगभग सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए गए थे, ठीक है, अलग अलग पोस्ट में। तो देखिए अभी आपका जो फर्स्ट टेस्ट था उसका तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट का रिजल्ट आ गया, और आपने आशा करता हूँ सभी ने अपना स्कोर कार्ड भी जो इसमें चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पे डाउट थे और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि सर कि अभी सेकंड लेवल टेस्ट कैसा होगा, किस बेसिस पर होगा और किस तरह का उसका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए साथ ही जानेंगे कि देखिए आपका जो सेकंड लेवल टेस्ट होगा, जैसे कि फील्ड अटेंडेंट जो है उसमें आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, और जो आपका मेंटेनर असिस्टेंट है उसमें उनका होता है आपके ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में देखिए और फिजिकल टेस्ट में अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो क्या होगा, क्या आप मेरिट लिस्ट में आएंगे या नहीं, तो इस तरह के बहुत से डाउट है। तो सभी डाउट आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की अपडेटेड वीडियोज़ पाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आपका फील्ड अटेंडेंट है उसमें आपका देखिए जो फिज़िकल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम PAT बोलते हैं, तो उसमें किस तरह का एक प्रोसेस रहता है, तो वो मैं सबसे पहले जो है मैं आपको एक समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका जो एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट से पहले, तो उसी को जो यहाँ पे ओपन करके रखा, जिसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं फील्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसमें देखिए आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। अभी होगा आपका सेकंड स्टेज में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और साथ ही जो अदर जो भी पोस्ट है, ठीक है, जितने भी पोस्ट है 2 से लेकर अपने 8 तक, तो उसमें देखिए आपका रिटन टेस्ट हुआ था, अब होगा आपका इसमें ट्रेड टेस्ट, ठीक है। सिर्फ जो फील्ड अटेंडेंट है उसी में आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो अभी देखिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में जो आपका ये टेस्ट होगा, तो उसमें देखिए इसमें आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो, तो देखिए इसके ये मायने नहीं रखेगा, इसमें देखिए मिनिमम मार्क्स आप कितना स्कोर करना है ये कैटेगरी वाइज उन्होंने जो यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए मेंटेनर असिस्टेंट का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इसके लिए आपको सेकंड लेवल जो टेस्ट होता है आपका यानी ट्रेड टेस्ट, उसके लिए मार्क्स चाहिए। तो देखिए इसमें आपका जो है इस मार्क के बेसिस पर जो आपका मेरिट नहीं बनेगा ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका यही डाउट था कि सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे या इसी के बेस पर हमारा फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो देखिए अभी ऐसे मान के चले जो भी कैंडिडेट यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेवल टेस्ट में यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, तो उनके देखिए 95 यानी अबव 95 प्लस चांसेस है वो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे कम कैंडिडेट हो गए जो ट्रेड टेस्ट या फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट क्लियर ना कर पाओ, ठीक है, लेकिन देखिए ये काफ़ी इजी होता है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं होता है। तो अभी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बारे में मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगा किस तरह से रहने वाला है अलग से वीडियो बना के, और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी बताऊँगा कि किस किस तरह से आपको कौन कौन सी प्रोसेस इसकी होने वाली है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम बताऊँगा कि इसकी यहाँ पे जो सेकंड लेवल टेस्ट में हम मार्क्स स्कोर करेंगे तो उसका क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, देखिए प्रोसीड्योर फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात जो आपको देखने को मिलेगी द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट, ठीक है, जो आपका फील्ड अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें देखिए फील्ड इज मैंडेटरी एंड इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग बेसिक नेचर, ठीक है। तो देखिए जो आपका ना फिजिकल यानी PAT होने वाला, ठीक है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होता है फील्ड अटेंडेंट के सेकंड लेवल स्टेज में, ठीक है, तो ये होगा, इसमें आप जो भी मार्क्स स्कोर करेंगे तो वो होगा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। अभी क्वालिफाइंग नेचर होता क्या है, तो देखिए क्वालिफाइंग नेचर ये होता है कि मानिए अभी आपका जो फर्स्ट लेवल स्टेट में जो भी आप मार्क आप स्कोर किए, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं आप 90 आप मार्क जो है स्कोर किए हो फर्स्ट लेवल टेस्ट में, ठीक है। तो अभी देखिए जो आपका ट्रेड टेस्ट या फिर होगा आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, तो इसमें देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इन्होंने यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स दिए अगर वो आप क्लियर कर जाते हो तो आपका जो 90 मार्क्स है, ठीक है, तो इसी को आपका जो है स्कोर मान के फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है क्वालिफाइंग नेचर, तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर मान लो कोई कैंडिडेट है जो मान के चलो 99 भी मार्क्स जो उसके यहाँ पे वो स्कोर किया है फर्स्ट लेवल टेस्ट में, अगर वो ट्रेड टेस्ट या फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में जो उन्होंने मेंशन किया है कि मिनिमम मार्क्स चाहिए, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं करता तो इसको फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्वालिफाइंग नेचर, इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी देखिए आगे दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, मैं थोड़ा आपको जूम करके भी बता देता हूँ।
इन नेचर एंड इट्स मार्क विल नॉट बी इंक्लूड इन द रिटर्न टेस्ट मार्क टू फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, यानी फाइनल सिलेक्शन में जो है आपका जो सेकंड लेवल टेस्ट होता है उसका मार्क्स अभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो फर्स्ट लेवल में आप लोग स्कोर के उसी के बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा अगर आप लोग सेकंड लेवल स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो। ठीक है, तो ये बात है। फिर देखिए, द ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड इन रिस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 से लेकर 8 तक के यहाँ पे ऊपर हमने पोस्ट देखी थी, तो सभी पोस्ट का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जिसमें देखिए वही बताया गया कि द ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपका जो ITI ट्रेड है उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें साथ ही देखिए किस तरह का सिलेबस है वो पूरा डिटेल में आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। फिर देखिए, इन्होंने यही बोला गया कि द मार्क्स विल नॉट इंक्लूड इन द रिटर्न टेस्ट मार्क्स फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो देखिए फाइनल सिलेक्शन में आपका ये भी मार्क्स जो रिटर्न टेस्ट के मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा। जो आप फर्स्ट लेवल में मार्क्स स्कोर किए वही आपका जो फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट बनेगा उसके लिए ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बोला फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन सेकंड लेवल टेस्ट। अगर आप सेकंड लेवल टेस्ट क्वालिफाई करते हो तभी आपका जो फर्स्ट लेवल टेस्ट के मार्क्स जो है ध्यान में रखते हैं, आपका फाइनल मेरिट जो इसमें बनने वाला है। ठीक है, द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड लेवल टेस्ट इज ऑल्सो फॉर फाइनल सिलेक्शन। यानी कुल मिला के देखिए आपका अच्छा अगर आप स्कोर कर चुके हो फर्स्ट लेवल टेस्ट में तो थोड़ा और पढ़ाई करके जो आप लोग सेकंड लेवल टेस्ट आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये भी बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कितना मिनिमम मार्क जो आपको इसमें चाहिए होगा। अभी देखिए जो ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है तो उसमें देखिए किस तरह से रहने वाला, तो देखिए जो आपका सेकंड लेवल टेस्ट है देखिए आपको बोला टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, 100 मार्क्स टोटल आपके रहेंगे, जिसमें देखा अगर UR या फिर EWS से तो आपको देखे उसका 40% यानी 40 मार्क आपके आने चाहिए। अगर OBC नॉन क्रिमिनलर से आपके 37 मार्क्स आने चाहिए, और आप SC ST या PWC से तो आपके मिनिमम 30% यानी 30 मार्क्स आपके इसमें रहने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो चुका होगा कि देखे आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है। अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स ले आते हैं तो आप लोग जो है फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किए जाओगे और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लेवल टेस्ट के आधार पर ही बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो चुके होंगे। तो देखिए अगर आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के बारे में उसका किस तरह से आपका रहने वाला है और साथ ही ट्रेड टेस्ट का सिलेबस भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों कमेंट में बता देना, उस पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।